जो 3 language formula है एनईपी में, उससे उस मुद्दे पर मैं आऊं, उसके पहले राजेश जोशी की कविता से अपनी बात शुरू करूंगा। भूख तहरी तक आ गई है दौंदरा मचाने को, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है अपने चकनाचूर सपनों के खड़े लोगों के पांवों में, उसकी किरचे चुभ रही हैं और छालों से खून रिस रहा है। राष्ट्रवाद नाम का एक पागल नंगा घूम रहा है सड़कों पर, कहता है अबू हसन इसे जानने को किसी पोथी पत्रे की जरूरत नहीं। तबाही की इबारत आसमान पर लिखी है, हताशा में राजनीति का मध्य मार्ग बार बार दाईं ओर मुड़ जाता है और हमारा वामपंथ सिमट रहा है हाशिए पर। न्यायपालिका ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही है और किसी नरसिंह अवतार के प्रकट हुए बिना ही चौथा कंभा फट कर गिर चुका है। बैंक बिक गए, रेल बिक गई, हवाई जहाज की बोली लग रही है। सुनो, कहता है अबू हसन, फौजें दिखें न दिखें, फौजी बूटों की आवाज आ रही है। आपको तो फौजी दिख भी रहे होंगे। वैसे छात्र जीवन के जमाने से ही ऐसे जलसे, प्रोटेस्ट, जुलूस, जंतर मंतर के आसपास आने पर आज विद्रोही जी की कविता की कमी खल रही है, इसलिए मैंने अपनी बात कविता से शुरू की। लेकिन ये नाइंसाफी होगी कि रामाशंकर विद्रोही की वो 4 पंक्तियां ना पढ़ दूं जिस क्रिटिकल थिंकिंग की आज जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो खेतियर समाज से आते थे विद्रोही जी, और अपना जुड़ाव यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी अक्सर उन्होंने रखा गांव घर से। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि मैं आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं कि पगले आसमान में धान नहीं उगाता, मैं कहता हूं कि पगले यदि धरती पर भगवान उग सकता है तो आसमान में धान भी उग सकता है, और अब तो दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो धरती से भगवान उखड़ेगा या फिर आसमान में धान उगेगा। आपको ड्रोन से आसमान में धान उगाने का भी सपना दिखाया जा सकता है, आप तैयार रहिए। इस मंच से मैं एक और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे कलीग हैं डॉक्टर मुजीब, उन्होंने अभी हिंदू में लिखा, मोहम्मद गुलाम जोला, भारतीय किसान यूनियन के वन ऑफ द फाउंडर, और उन्होंने बहुत पहले एक नारा दिया था जिसको राकेश टिकैत ने की जो हाल की रैली हुई, और आप इस बात से मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि उस दिन से देश का और देश के हुक्मरानों का भी मूड बदला। उनका नारा था, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। आपको लग रहा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करते हुए मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका पूरा अटेंशन जो इस बैनर पर लिखा है नो टू पॉलिटिक्स ऑफ हेट, तो इसीलिए इस मंच से आज उनको यह श्रद्धांजलि अर्पित करना बहुत जरूरी है। अब मैं डायरेक्ट भाषा वाले सवाल उठाऊंगा। अभी आपको पता है कल एक बच्ची ने यूपीएससी टॉप किया, उसका इंटरव्यू आया, उसने बोला कि टेक्निकल मिस्टेक से उस बच्ची ने पिछले बार हिंदी माध्यम भर दिया था गलती से, और 1 नंबर से उसका इंटरव्यू कॉल रह गया। इस बार वो इंग्लिश माध्यम से गई और वो टॉप। हिंदी के ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, ना इंसाफी होगी, पर बात कनेक्टेड है इसलिए बोल रहा हूं। गीतांजलि श्री को एक बड़ा अवार्ड मिला और हिंदी में मिला। मैं ये मानता हूं कि वो ट्रांसलेट होकर दुनिया के और बड़े पाठक वर्ग के बीच गया, इसीलिए वो अवार्ड के लिए और ज्यादा उसकी योग्यता बनी। पर आप समझिए कि इस देश के हुक्मरान जो हिंदी हिंदुत्व की बात करते हैं, उस नॉवेल के लिए बधाई नहीं मिलती है, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स में पाकिस्तान है, उसके कैरेक्टर में मंटो है, तो हिंदी का भी जो
अब फिर से मैं जैसा कहा कि हम जब बच्चे थे तो दिनकर को पढ़ते थे। दो न्याय अगर तो आता तो यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि में तमाम। क्यों भाई? दो न्याय अगर तो आता दो, और यही हिंदी दिनकर कहते हैं और मुक्ति बोध कहते हैं कि बराबरी का हक, बराबरी का दावा, नहीं तो बस मुठभेड़ और धावा। तो हमें हिंदी, हिंदू, हिंदुआइजेशन और हिंदुत्व के इस कनेक्शन को देखना पड़ेगा। मैं बारहा सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, इस पर और रिसर्च होने की जरूरत है कि क्यों हिमाचल प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक गुजरात मॉडल को थोड़ा माइनस कर दीजिए, इसी बीच इनकी सरकारें हैं। हम बेवकूफ है जो समझते हैं हम नॉर्थ इंडियन है, बिहार झारखंड वाले को बोल रहा हूं, हम तो ईस्ट इंडियन है। ज्योग्राफी की परिभाषा में हम नॉर्थ इंडियन नहीं है, लेकिन झूठ मूठ का हम हिंदी में बहे जा रहे हैं। और हिंदू, हिंदी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के बच्चों का हिंदुआइजेशन और हिंदुत्व के तरफ झुकने का एकमात्र वजह मुझे लगता है कि उसकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। मैं एक वाक्य बताता हूं। हमारे क्लासरूम में एक केरल की बच्ची थी और एक बिहार झारखंड, मतलब बिल्कुल मैं जिस दुमका का लड़का था, उसने बोला कि सर अंग्रेजी में तो प्रेजेंटेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हिंदी में कर सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, ओके, एवरीबॉडी विल मेक प्रेजेंटेशन इन हिंदी, ऑल राइट। केरल की वो लड़की सहम गई, बोली कि सर आई कांट प्रेजेंट इन हिंदी। मैंने बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल अंग्रेजी में करो। तो ये लड़का जिसको मैंने ये, ऐसा नहीं कि उसके लिए मैंने ये पॉलिसी बना दी कि आप हिंदी में प्रेजेंट कीजिए, मैंने कहा कि आप हिंदी में प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा डोमिनेंट डिस्कोर्स जो है नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी, उसने ये मान लिया कि हमारी बात क्लासरूम में साबित हो गई और हम जीत गए। उसने बोला कि बट तुम तो हमारी भाषा समझती हो। केरल की उस बच्ची ने बोला कि हम तो आपका भाषा समझता है, आप मेरा भाषा थोड़ा भी नहीं समझता है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज दैट द मेनी एजेंडा दैट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैव पुट हियर, लेट compulsory English education be added to this agenda, and I would request, you know, honorable parliamentarian to raise this in the parliament, because हम हिंदी वाले, अब मेरी पहली भाषा तो अंगिका है। बचपन में स्कूल यूनिवर्सिटी के जमाने में यह अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज योर सेकंड लैंग्वेज, व्हाट इज योर थर्ड लैंग्वेज। आई सेड माय फादर्स इंग्लिश वाज माय फादर्स एट्थ लैंग्वेज, क्योंकि 8वीं क्लास में उन्होंने ABCD शुरू किया। अब सवाल यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू लिबरलिज्म से क्या कनेक्शन है? ये मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, और ये जरूरी है क्योंकि JNU के ढेर सारे छात्र हैं। हम जब स्टूडेंट थे तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था, और डर तब भी नहीं लगा था, अब भी नहीं लगता है। मैं अक्सर बड़े पैरेलल सिनेमा का एग्जांपल नहीं देता हूं, मैं मेनस्ट्रीम सिनेमा का भी एग्जांपल देता हूं। प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस है, फिल्म का नाम है मैरी कॉम, उसका एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है। वो अपने कोच को बोलती है, सर इतना भी मत डराइए ना कि डर ही खत्म हो जाए। तो इस दौर में जो माहौल जिसमें आप प्रधानमंत्री को आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछ सकते थे, वो प्रधानमंत्री भी जब शाम तक JNU में बड़ा दहशत का माहौल था, वर्दी वाले ऐसे ही घूम रहे थे, हमें लग रहा था कि पता नहीं किसके साथ क्या होगा, अगले दिन PMO ने एक डिसीजन लिया दैट नो स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट एनी स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। दीपांकर जी हैं, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, इसी वो प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले मुद्दे से ही जुड़ा हुआ एक वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जामिया में लोग पूछ रहे थे कि साहब NEP तो लागू हो गया, क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला कि कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं कि वो लागू हुआ। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट एट द सेम डे व्हेन वी हैड शोन ब्लैक फ्लैग्स टू द देन प्राइम मिनिस्टर,
वी हैड अ प्रोफेसर कॉल्ड प्रोफेसर, वी स्टिल है प्रोफेसर प्रभात पटनायक, दीपांकर जी जानते हैं, उनको भी हमने पब्लिक मीटिंग में बुलाया। उन्होंने बोला कि यू नो व्हेन आई मेट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन डीसी, व्हाट डिड ही से? प्रोफेसर पटनायक, द एंटायर साउथ एशिया हैज एक्सेप्टेड दिस न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली कॉल्ड जेएनयू। And this makes a difference. This only I'm not trying to sort of, you know, मैं उस हायरार्की के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जेएनयू बहुत महान जगह है, पर वो विचार जो मुझे दिनकर से मुक्तिबोध तक लाता है, उस एल्यूमिनाय को लाल सलाम, आयशा को इसलिए भी लाल सलाम कि आपने रतनलाल को जब गिरफ्तार किया गया तो आपने बड़ी मुस्तैदी से वो लड़ाई लड़ी। और इसके साथ मैं अपनी बात फिर से खत्म करता हूँ। जय भीम, लाल सलाम।